चलिए जानते हैं आईपीसी के धारा 498A में पुलिस हस्बैंड को अरेस्ट कर सकती है या नहीं। इससे पहले आईपीसी के धारा 498A को समझते हैं। ये धारा बताती है कि अगर कोई मैरिड वुमेन के ऊपर उसके हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के द्वारा कोई क्रुएल्टी, फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ किया जाता है तो हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर को 3 साल तक का जेल और फाइन हो सकता है। इस सेक्शन में क्रुएल्टी का मतलब ऐसा कोई कंडक्ट जो वोमेन को सुसाइड कमिट करने के लिए उकसाए या वोमेन के लाइफ या बॉडी के किसी पार्ट्स को इंज्योर करे या फिर वोमेन या उसके किसी भी रिलेटिव को तंग किया जाए दहेज का डिमांड पूरा करने के लिए। ये था 498A का लीगल डेफिनेशन। 498A के बढ़ते फॉल्स केसेस के कारण कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म भी बोला है। पहले 498A के केसेस में पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर लेती थी बिना किसी वारंट या सूचना के, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लैंडमार्क जजमेंट जो दिया गया था 2014 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अरेस्ट का गाइडलाइन इशू किया है जिसको अर्नेस कुमार गाइडलाइन भी बोला जाता है। इस केस में अर्नेस कुमार की वाइफ उसके और उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर 498A और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रिवेंशन एक्ट का चार्जेस लगाती है। इसके बाद अर्नेस कुमार एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन लगाता है जिसको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अर्नेस कुमार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऑब्जर्वेशन लेती है कि 498A का लॉ जो वुमेन को सील्ड करने के लिए बनाया गया है, इस लॉ को वुमेन के द्वारा वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है और वुमेन के द्वारा फॉल्स केसेस ऑफ 498A फाइल किए जा रहे हैं हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को हरास करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑब्जर्वेशन लेती है कि 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 15% है जो कि बहुत कम है। इससे ये मालूम होता है कि मैक्सिमम 498A के केसेस में हस्बैंड के ऊपर लगाए गए चार्जेस कोर्ट में प्रूव नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन लेते हुए डायरेक्शन देती है कि 498A के केसेस में पुलिस हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है और अरेस्ट करने से पहले CRPC के सेक्शन 41A का कंप्लायंस करना मैंडेटरी होगा। 41A का नोटिस पुलिस अक्यूज्ड पर्सन को थाने में प्रेजेंट होने के लिए देती है पूछताछ करने के लिए। चलिए अर्नेस कुमार गाइडलाइन को डिस्कस करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अरेस्ट का गाइडलाइन इशू किया था। ये गाइडलाइन सिर्फ 498A के केसेस में ही नहीं बल्कि उन सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का होता है और जिन ऑफेंसेस में सजा 7 साल तक का जेल या उससे कम का जेल होता है। इन सारे केसेस में पुलिस को अरेस्ट करने से पहले CRPC के सेक्शन 41A का कंप्लायंस करना जरूरी होता है और अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट करना पड़ेगा तो CRPC के सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में दिए गए कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ये फॉलोइंग कंडीशंस है। अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति फर्दर कोई ऑफेंस कर सकता है या फिर अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति एविडेंस को टैम्पर या डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर सकता है या फिर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति विटनेस को परेशान करने का कोशिश कर सकता है या फिर डराने या धमकाने या फिर इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर सकता है या फिर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए अरेस्ट करना जरूरी है तो पुलिस इस ग्राउंड में अरेस्ट कर सकती है या फिर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट नहीं किया गया तो जब कभी उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा तो वो नहीं आएगा तो इस ग्राउंड में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इनमें से कोई भी ग्राउंड सेटिस्फाई होता है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है एज़ पर अर्नेस कुमार गाइडलाइन। याद रखें ये गाइडलाइन सिर्फ उन केसेस के लिए है जिसमें सजा 7 साल तक का जेल या उससे कम का जेल होता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि सेक्शन 498A में पुलिस हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है और अरेस्ट करने से पहले पुलिस को
सेक्शन 41A का नोटिस देना पड़ता है।